नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PVV सीरीज तरीका मेरा फायदा आपका। देखिए, असम लोक सेवा आयोग यानी कि असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। ये देखिए 27 मार्च 2019 को जारी कर दिया गया है। देखिए 30 दिसंबर 2018 यानी कि संडे को जो असम का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसकी जो है आंसर की आ चुकी है और ये वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है। आप चाहें तो वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर जो है वो देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप अपनी आपत्ति जो है वो 30 मार्च 2019 यानी कि कल तक जो है वो दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद आपकी कोई भी क्वेरीज नहीं सुनी जाएगी। इसलिए जो भी स्टूडेंट जिन्होंने ये पेपर दिया है, आप लोग जल्द से जल्द अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। और ये देखिए, आइए बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो देखिए, कट ऑफ जो है इस बार असम लोक सेवा आयोग, ये देखिए 2018 का जो पेपर हुआ था, ये लोग 6 कैटेगरी में इस बार कट ऑफ आया है। हर बार 6 ही कैटेगरी में आता है। देखिए ओपन कैटेगरी जो है वो होती है अनरिजर्व की। तो देखिए इसमें 400 मार्क्स का जो है वो पेपर होता है, जैसे दो पेपर होते हैं, एक GS और एक ऑप्शनल पेपर, 16 ऑप्शनल सब्जेक्ट में से जिसमें आपको कोई एक पेपर लेना होता है। ये सी सेट की जगह होता है सिर्फ असम में, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे जनरल का जो है वो गया है कट ऑफ इस बार 263 और फीमेल का जो है वो 261 गया है। OBC की अगर हम बात करें तो 243 और 242 गया है। SC का देख लीजिए 228-223 गया है। STP ये जो लोकल वहाँ के होते हैं उनका भी देख लीजिए 236 ही मेल और फीमेल दोनों का गया है। ये एक अच्छी बात है। देखिए STH का भी मेल और फीमेल का इक्वल ही गया है। और PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है ये विजुअल इम्पेयर्ड 3 डिसेबिलिटी के हिसाब से कट ऑफ गया है। HI का सबसे कम गया है वो है 170। तो ये तो थी कट ऑफ की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने मार्क्स या अपने स्कोर कैसे देख सकते हैं। देखिए ये असम लोक सेवा आयोग की वेबसाइट मैंने खोल रखी है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट apsc.nic.in पर क्लिक करके इसे खोल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जैसे ही आप नोटिफिकेशन क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिए ये आपको इतना ये दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर जो 3rd नंबर पर दिया हुआ है चेक CCE प्रिलिमिनरी 2018 मार्क्स एंड OMRC, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप डालेंगे और यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी स्कोर है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो देरी ना करें, जल्द से जल्द अपना स्कोर देखें। और देखिए इस जैसे कि इसका प्रिलिम्स का रिजल्ट आ चुका है तो देखिए मेंस जो है वो संभावित जुलाई 2019 में होगा। और ऐसे अगर कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे ज़रूर उसकी सूचना देंगे। और जल्दी ये जो पेपर हुआ था 30 दिसंबर 2018 का, उसकी एनालिसिस मैं लेकर आऊँगा, आप लोग तैयार रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और PVV सीरीज में बने रहिए। PVV सीरीज तरीका मेरा फायदा आपका। धन्यवाद, लव यू।